ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप से बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरकुत्सपुर नामक एक नगर है, उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदपाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उनकी खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काट कर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से युक्त होकर होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। वह एक दिन दानव चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले वहेलिए ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों भी भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से उन दोनों का पाप नष्ट हो गया है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोकों में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बतलाइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुकी थी, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए।